उसका सबसे पहले समीकरण लिख देना, सात नंबर का जो समीकरण है 4x-3y प्लस 24 बराबर जीरो। अब ये देखिए, इसमें एक नंबर में है x बराबर जीरो और y बराबर 8। कह रहा है इसका जांच करने के लिए कि समीकरण के हल है या नहीं। समझिए, x बराबर जीरो और y बराबर 8, इस समीकरण का यह हल है या नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समीकरण के हल के बारे में ही जानते हैं कि कोई समीकरण का कोई हल तब होता है जब वह मान उस समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो जैसे x बराबर जीरो y बराबर 8 है, अगर इसमें रख करके दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो यह हल होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। तो चलिए इसमें हम लोग यहां पर जांच में लिख देंगे, जांच में लिखेंगे 4×0-3×8 प्लस 24 बराबर जीरो है तो जीरो लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे इस साइड को, तो 4×0 0, अब माइनस 8 दिया 24, अब प्लस 24 बराबर जीरो। अब बताइए कि इस साइड को माइनस 24 प्लस 24 को हल करेंगे तो क्या होगा? जीरो बराबर जीरो। तो इसका हो जाएगा आंसर हाँ। हाँ क्यों? क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया, इसलिए इसका क्या होगा? हल होगा। अब चलिए दूसरा नंबर, इसी के जैसा दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर में x बराबर क्या है? माइनस 6, तो ये लिख देना x बराबर माइनस 6। और y बराबर क्या है? जीरो, y बराबर जीरो। अब उस समीकरण में रखेंगे, ये जो समीकरण दिया गया इसमें मान रखेंगे क्या? 4×-6 माइनस 3×0 जीरो, अब प्लस क्या होगा? 24 होगा ना, बराबर जीरो। अब इसको हल कर दीजिए, 4×-6 माइनस 24, अब माइनस 3×0 जीरो, अब प्लस 24 बराबर जीरो। अब देखिए माइनस 24 प्लस 24 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस प्लस में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जीरो बराबर जीरो। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ये इसका भी उत्तर हाँ होगा और इसका भी उत्तर हाँ होगा। चलिए तो जांच हो गया, ऐसे ही आप लोग को जांच करना है। बाकी सवाल और भी देखिए, तीन नंबर का, एक तीन नंबर बता दे रहे हैं, 4, 5, 6 आप स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तीन नंबर में क्या है वो देखिए, तीन नंबर में x का मान है कितना जी? 1, और y का मान -2। अब इसमें समीकरण में हम लोग मान रख देंगे, ठीक है, इस समीकरण में मान रख देंगे। हाँ, 4× क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3× क्या हो जाएगा? -2 और प्लस 24 बराबर जीरो। अब इसको हल कर दीजिए, 4×1 4, 3×-3×-2 छ हो जाएगा ना, प्लस 6 और प्लस 24 बराबर जीरो। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 6×4 10 24 34 बराबर जीरो। कभी होगा 34 बराबर जीरो? तो यहां पर 34 बराबर कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए उत्तर में क्या लिखा जाएगा? नहीं। तो ऐसे बनाने के लिए हो जाएगा आप लोगों से, 8 का i नंबर और i में है क्या? देखिए a कोष्ट में दिया है -6, 0 और समीकरण, रैखिक समीकरण दिया गया है 5x-3y प्लस 30 बराबर जीरो। अब समझिए, कह रहा है इस सवाल में, कह रहा 8 नंबर में, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण के आलेख पर है, रैखिक समीकरण के आलेख पर है। तो सबसे पहले बिंदु दिया गया है, इस बिंदु को देखिए, ये जो बिंदु ए में ए दिया है -6, 0 इकोष्ट में, तो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि पहला मान किसका होता है? एक्स का। दूसरा का मान किसका होता है? वाई का होता है। तो आप क्या समझिएगा, इस कोष्ट में से एक्स का मान कितना होगा? -6, वाई का मान
जीरो। तो यह दोनों मान अब इसमें रख करके चेक कर देना है कि हल है या नहीं, जांच कर देना है। जांच जांच में लिखेंगे पांच गुना माइनस छ माइनस तीन गुना जीरो अब प्लस तीस बराबर जीरो। तो पांच गुना माइनस छ तो माइनस तीस अब माइनस तीन गुना जीरो तो जीरो अब प्लस तीस बराबर जीरो। तो यह जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हाँ ऐसे ही बनाना है आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरका नंबर दो नंबर वाला, दो नंबर वाला में है आपका क्या बी अकोष्ट में दिया है जीरो कोमा दस। अब एक्स का मान क्या लिखिएगा, अब इस ब्रैकेट से एक्स का मान क्या लिखिएगा जीरो, वाई का मान दस। अब इस समीकरण में रख देना है फाइव एक्स माइनस थ्री वाई अब प्लस तीस बराबर जीरो में इसको हल करके देखना है क्या होगा। पांच गुना जीरो माइनस तीन गुना दस अब प्लस तीस बराबर जीरो। तो पांच गुना जीरो जीरो माइनस तीस प्लस तीस बराबर जीरो, तो ये भी हो जाएगा जीरो बराबर जीरो, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ। चलिए इसी टाइप से आपको तीन चार पांच बनाना है, तीन चार पांच छह सात बनाना है। चलिए तीन नंबर भी कर देते हैं, बाकी आपको करना है। तीन नंबर में है सी कोऑर्डिनेट में हाँ तीन कोमा माइनस पांच, इसको कोऑर्डिनेट पढ़ते सी कोऑर्डिनेट तीन कोमा माइनस पांच। अब यहां पर हम लोग लिख देंगे एक्स बराबर क्या तीन, वाई बराबर माइनस पांच। अब समीकरण क्या दिया गया वो नोट कर देना, फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थर्टी बराबर जीरो। अब मान रख देंगे पांच गुना तीन अब माइनस तीन गुना माइनस पांच प्लस तीस बराबर जीरो। पांच दिया पंद्रह माइनस माइनस प्लस, पांच दिया पंद्रह प्लस तीस बराबर जीरो। बताइए पंद्रह पंद्रह तीस तीस साठ बराबर जीरो, कभी होगा साठ बराबर जीरो कभी होगा नहीं, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका नहीं। देखिए नौ नंबर में कह रहा है यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो अद्वितीय हो तो इन्हें आलेख्य विधि से हल करें। अब सोचना है क्या, सबसे पहले हम लोग ये चीज को देखेंगे अद्वितीय हल की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब ए वन बाय ए टू बराबर नहीं बी वन बाय बी टू होता है तब क्या होता है जी, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। और इसका आलेख्य निरूपण क्या होता है? प्रति छेदी रेखा होती है। और इसका समीकरण निकाय क्या होगा? संगत होगा। और संगत में कैसा समीकरण कैसा होगा? अविरोधी होगा। तो यह बात को सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी होता है। क्या कि यदि a1 वन बाय ए टू बराबर नहीं b1 वन बाय बी टू होता है तो इस स्थिति में समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, फिर हम लोग को यह बात भी जानना है कि a1 वन बाय ए टू बराबर b1 वन बाय बी टू बराबर c1 वन बाय सी टू होता है तो इस स्थिति में समीकरण का हल अनेक होता है। क्या होता है? अनेक होता है। लिखे है ना जी कि a1 वन बाय ए टू बराबर b1 वन बाय बी टू बराबर c1 वन बाय सी टू होता है तो समीकरण का हल कितना होता है? अनेक होता है। तो अनेक हल में क्या होगा, हम लोग आलेख नहीं बनाएंगे। जो सवाल में कहा जा रहा है, कह रहा आलेख उनका ही बनाइए जिन समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होता है। क्या हल होता है? अद्वितीय होता है। तो हम लोग जानते हैं समीकरण निकाय का अद्वितीय हल तब होता है जब समीकरण का स्थिति इस प्रकार होगा ए वन बाय ए टू बराबर नहीं बी वन बाय बी टू। तो अब सबसे पहले जब हम लोग ग्राफ की कॉपी निकाले हैं तो सबसे पहले ये बात को ब्रेन में हाँ समझना बहुत जरूरी होता है। क्या कि समीकरण क्या ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू के रूप में नहीं हो रहा है, यह देखना है। तो चलिए हम लोग का जो सबसे पहले लिखना नहीं है, समझना, उसके बाद आप लोग लिखेंगे। नौ नंबर हम दे रहे हैं, ठीक है, आई नंबर। हम लोग
समीकरण को पहले देख करके यह समझ लेना है कि समीकरण का हल क्या हो रहा है। लिखना अभी नहीं है आप लोगों को, यह पहला समीकरण है ना। दूसरा समीकरण क्या है, 6x प्लस 2y बराबर 1। अब समीकरण यह दो क्यों कहे नहीं लिखना है, क्योंकि आपका ग्राफ कॉपी जो है ना खराब हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि इस समीकरण निकाय का हल अद्वितीय न हो। क्या हो सकता है इस समीकरण का निकाय क्या हो, अद्वितीय हल नहीं हो। तो अब देखना कैसे, a1 बाय a2 करेंगे तो 3/6, अब b1 बाय b2 करेंगे तो 1/2, तो हल करके क्या आएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो क्या इसका अद्वितीय हल होगा, हाँ नहीं ना। तो आप इसको लाइन पे बनाएंगे, लाइन वाला कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों कॉपी आप सामने रखेंगे, a1 बाय a2 बराबर क्या लिखेंगे, 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 बराबर 1/2 लिख देंगे। फिर b1 बाय b2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, c1 बाय c2 बराबर 2/1। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाय c2 का। इस स्थिति में दत्त मतलब दी गई समीकरण निकाय का क्या होगा, अनेक हल होगा, नहीं कोई हल नहीं होगा। बस आंसर हो गया। ये समझना है कि समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होता है या नहीं। दो नंबर में है क्या, जरा देखिए, 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0, समीकरण एक। फिर क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण दो। अब ये देखिए, इसमें क्या हम लोग करेंगे, ये ग्राफ पर लिखेंगे। किस पे लिखेंगे, ग्राफ पर। क्यों, क्योंकि हम लोग को आभास हो गया कि इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि a1 by a2 बराबर b1 by b2 नहीं है। देख के पता नहीं चलता आप लोग को, a1 by a2 बराबर b1 by b2 होगा, नहीं होगा। तो इसको हम लोग पहले इस बात को क्लियर कर देना है, a1 by a2 बराबर 2/3 हुआ, b1 by b2 बराबर -3/-2 हुआ, जो 3/2 होगा। तो 2/3 कभी 3/2 के बराबर नहीं होगा। तो यहां लिख देना है, चूंकि a1 बाय a2 बराबर नहीं b1 बाय b2, इस स्थिति में दी गई समीकरण का अद्वितीय हल होगा आंसर। ये हुआ एक आंसर, अद्वितीय हल होगा। क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो याद रखना है कि जब समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा, तभी आप उसका क्या खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है, तभी आप ग्राफ बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक है 2x-3y+13=0। इसमें पहले लिखेंगे 2x बराबर, इस सबको उधर भेज देना है, 3y-13, x=3y-13/2। इसका वैल्यू टेबल, एक्स यहां नोट करेंगे, वाई यहां नोट करेंगे। अब मान रखेंगे, हाँ मान इसका रखेंगे, क्या मान रखेंगे पहले, एक, y का मान एक रख देते हैं, है ना, एक रखेंगे तो क्या होगा, 3 × 3, 3 − 13 तो कितना हो जाएगा, 3 − 13 − 10 अबटे 2 तो कितना हो जाएगा, −5। क्या रखने पर, एक मान रखने पर क्या हो जा रहा है, −5 हो जा रहा है। ठीक है, अगर इसमें और एक मान लेकर के देखेंगे, क्या मान लेना आप पसंद करेंगे, हाँ 5, चलिए 5 मान लेना पसंद करता है, तो 5 अगर मान रखते हैं तो 3 × 5 = 15, 15 में से 13 जाएगा, 2/2 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, एक। बात समझ में आया, या अगर यहां पर 5 मान रखते हैं तो क्या हो जा रहा है, एक हो जा रहा है, तो वैल्यू टेबल बन गया। अब समीकरण 2 से वैल्यू टेबल बना लेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, ये जितने भी बात है वो ग्राफ पर ही लिखना है, 3x-2y+12=0। तो यहां 3x बराबर, ये दोनों को उधर भेज देना है, तो 2y + 12 − और यहां पर x बराबर हो जाएगा 2y-12/3। अब इसका वैल्यू टेबल बना देना है, होगा वैल्यू टेबल इसका, इधर कर लेते हैं, यहां x नोट करेंगे, यहां y। अब बताइए क्या मान रखना चाहोगे, 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 0 रख सकते हैं ना जी, y का मान क्या रख सकते हैं, 0 रख दिए तो क्या होगा, 2 × 0 = 0, 0 − 12 − 12/3 तो कितना हो जाएगा, −4 हो जाएगा। अब मान के चलिए 6 रख देते हैं, 6 × 2 = 12, अब 12 − 12 = 0/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 होगा, क्या 6 रखे हैं ना, y का मान 6 तो क्या आएगा, 0। चलिए अब x अक्ष और y अक्ष खींचना है, और y अक्ष कैसे खींचते हैं, ग्राफ पर चलिए जल्दी से कीजिए, x x′ y y′ O ओरिजिन, अब इस पे अंक बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक, अधिकतम मान 6 तक गया है, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर इधर माइनस में −1 −2 −3 −4 −5 −6, फिर इधर −1 −2 −3 −4 −5 −6। चलिए ग्राफ पर जब ये आप अंक बैठा देते हैं, तब इस पे हम लोग इस मान को क्या करेंगे, बैठाएंगे वैल्यू टेबल की मान को। ठीक है, हो गया, अरे काए
एक्स का मान माइनस पांच, वाई का मान एक, एक्स का मान माइनस पांच, एक्स का मान माइनस पांच यहां है ना जी, वाई का मान एक। तो ये देखिए, ये एक वाला वाई का लकीर जो मोटा वाला है, ये एक वाला इधर आएगा सीधा देखोगे, और ये माइनस पांच वाला लकीर इधर गया होगा ग्राफ पर, और उसका एक कॉर्नर मिलागा, हाँ कॉर्नर यहां पर है ना रे, कॉर्नर पर पॉइंट दे देना है, और यहां पर लिख देना ए, निर्देशांक में माइनस पांच अकोमा एक, माइनस पांच कोमा एक। अब चलिए, एक्स का मान क्या है एक, वाई का मान पांच, एक्स का मान एक, वाई का मान पांच, एक्स का मान एक यहां है ना, वाई का मान पांच, तो पांच वाई का मान यहां पर है। तो ध्यान दीजिए कि ये एक वाला लकीर ये सीधा गया होगा मोटा वाला लकीर सीधा गया होगा है ना, ये पांच वाला लकीर सीधा इधर से आया होगा, वहां पर एक कॉर्नर मिलेगा, यहां पर बी निर्देशांक लिख देना है एक कोमा पांच, एक कोमा एक कोमा पांच। हाँ। चलिए अब क्या करना है, रेखा खींच देना है, ठीक है, स्केल रख करके ये दोनों से एक रेखा खींच देना है, दोनों बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, ठीक है, स्केल का यूज कीजिए आप लोग, हो गया। अब उसके बाद देखिए, एक्स का मान माइनस चार, वाई का मान जीरो, एक्स का मान माइनस चार यहां पर है ना जी, वाई का मान तो जीरो, तो यहां पर सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस चार कोमा जीरो। फिर क्या है, फिर क्या है, एक्स का मान जीरो, वाई का मान छ, तो वाई का मान छ यहां पर हो जाएगा, और यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, डी निर्देशांक जीरो कोमा छ। अब इसको मिला देना है इस प्रकार से, तो देखिए कहां पर कटा है, ये समय दोनों रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटा है ये देखना है। पहला समीकरण का रेखा 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0, दूसरा समीकरण का रेखा है 2x 3x 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण दो, हो गया। हो गया करने, अब इसका प्रतिच्छेदी बिंदु लिखना है, बताइए ये इस ग्राफ के नीचे प्रतिच्छेदी बिंदु, बताइए प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा, माइनस दो अकोमा कितना, तीन पर बोल रहे हैं, माइनस तीन और माइनस दो और तीन, तो एक्स का मान क्या होगा माइनस दो, वाई का मान तीन, ये आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए आंसर, अपनी किताब की आंसर को चेक कीजिए।